नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज। जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में दो युवकों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि इसमें एक युवक फूलपुर कस्बे में एक मंदिर में जाने माने पुजारी और रामलीला समिति के डायरेक्टर के पुत्र, जो इश्क लड़ाने के लिए रात को एक लड़की के घर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने जमकर धुनाई किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पीट रहा युवक फूलपुर कस्बे का एक बंगाली डॉक्टर की दुकान पर कार्य करता रहा, जबकि दूसरा युवक भी कस्बे का ही है। दोनों बीते सोमवार की रात में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्थित लड़की के घर पहुंच गए। जैसे ही इनकी भनक ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। जमकर धुनाई करने के बाद जब युवक के सिर से इश्क का नशा उतरने के बाद ग्रामीणों ने उसे गांव से भगा दिया। इसी वीडियो को वायरल किया जा रहा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी सलीना ने बताया कि फूलपुर के गैनी खुर्द गांव से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस मामले की जांच फूलपुर एसओ को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शीघ्र ही इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राम गैनी खुर्द थाना फूलपुर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस प्रकरण की जांच इंस्पेक्टर फूलपुर को सौंपी गई है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।